डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया जिले के डॉक्टर और नर्सों ने, जहां पर डिलीवरी केंद्र में महिला डॉक्टरों और नर्सों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। अब दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं जिला अस्पताल बालाघाट के चिकित्सकों के इस कार्य की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कोविड 19 का असर आम लोगों के जीवन पर काफी बड़ा पड़ा है, लेकिन इस महामारी के बीच देश के एक हॉस्पिटल ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट के बूढ़ी कोविड सेंटर की, जहां कोरोना संक्रमित महिला की डिलीवरी सिजेरियन कराई गई है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता डोंगरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड सेंटर बूढ़ी में 10 अक्टूबर को लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव के नरेंद्र नौगड़े की पत्नी को भर्ती कराया गया था, जो कि कोरोना संक्रमित थी और प्रसूता भी थी। जब 12 अक्टूबर को रात 10 बजे के लगभग जानकारी मिली कि प्रसूता को अधिक पीड़ा हो रही है, उसके बाद जिला चिकित्सालय की टीम के द्वारा सूझबूझ करते हुए पीपीई किट का उपयोग किया गया और आईसीयू रूम में भर्ती कराकर सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के पश्चात महिला को कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। अभी सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और हर कोई डरता है कोरोना की, कोरोना जैसे इसको कोरोना हो गया तो डर गए। अब हमारे पास पेशेंट भी हैं, अगर मरीज भी हमारे पास आ रही है तो उसको ऐसा हम छोड़ नहीं सकते, है ना। हम एज अ डॉक्टर हमको उसका इलाज करना ही है। अगर ऐसा डर अगर मन में बैठ के अगर हम लोग करेंगे तो ना ही हम माँ को अच्छे से उपचार कर पाएंगे, ना ही हम बच्चे को बचा पाएंगे। तो वही हमने सोचा कि अगर प्रॉपर किट पीपीई किट अगर पहना जाए और प्रॉपर अपनी तरफ से प्रिकॉशन लिए जाए तो ये सारी चीज़ें संभव है। तो वही, और हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि कृपया करके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हमेशा जब भी बाहर जाए मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खुद का भी सहयोग करें और हमारा भी सहयोग करें।